मैं पूरा साल वेट करदा सी तेरी हां दी वेट करदा सी मैं पूरा साल वेट करदा सी तेरी हां दी वेट करदा सी मैनू लगदा रहिंदा सी डर तेरे पिछे लगी लाइन दा वेखी अज ना ना कर दई अज दिन वेले ने टाइम दा। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। तो अभी का सीन ऐसा था कि बच्चे चले गए स्कूल, मैं नहा धो के ब्रेकफास्ट करके निकल पड़ा हूँ घर से ऑफिस जाने के लिए और आज है वैलेंटाइंस डे, सो हैप्पी वैलेंटाइन टू एवरीबॉडी। तो कैसा रहा आपका वैलेंटाइन वीक, कैसे कैसे सेलिब्रेट किया, कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया, मजा किया होगा पूरा है ना, जो जो करते हैं हमारे। तो हम तो ऑफिस वाले, मैंने बोला था हम तो ऑफिस वाले लोग हैं, हमारे तो जिंदगी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस में निकल जाती है, काम में बिजी रहते हैं तो इसलिए थोड़ा सा नहीं रहता। अब थोड़ा पहले बीच में थोड़ा टाइम फ्री मिलता था, अब घर जाके ब्लॉग एडिट करना होता है तो उसमें टाइम निकल जाता है, तो शेड्यूल टाइट हो गया है, पर ठीक है, सही लग रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बस अब बस पहुँचते हैं ऑफिस, करते हैं काम शुरू और फिर देखते हैं कैसे रहता है क्या रहता है। हाँ आज मुझे टायर चेंज कराने हैं गाड़ी में, टायर में दिक्कत आ रही है, देखते हैं दो कराता हूँ तीन कराता हूँ, दो तो है ही एटलीस्ट, मैं सोच रहा हूँ तीसरा भी, जरूरत पड़ी तो तीसरा भी करा दूंगा क्योंकि ट्रैवलिंग रहती है, टू बी ऑन सेफ साइड रहती है। आपको टायर दिखाऊंगा, मैंने निकाल के बाहर ही रखा है तो चेंज कराना है, वो साइड से फूल गया है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। सो चलो फटाफट से पहुंचते हैं और फिर काम। हे गाइस, तो अभी का सीन ऐसा है कि मैं निकला ब्रांच से, बेचारा हूँ एक कस्टमर के पास, कुछ काम था वहाँ, कॉल आया कस्टमर का कि कुछ अर्जेंट काम है, एक बार मिलना आके, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहीं पे हमारे कस्टमर हैं, उनकी शॉप है टायर्स की, जहाँ से मुझे टायर चेंज कराने हैं, तो मैं वो काम भी कराता हूँ। तो चलो वहाँ पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, टायर कौन से टायर लगवा रहा हूँ और कितनी देर में हो जाएगा, बस काम फटाफट हो जाएगा क्योंकि ब्रांच से निकल के आया हूँ, ज्यादा देर तक आउट नहीं रह सकता। चलो फटाफट से पहुंचते हैं और काम। Hey guys, तो अभी का सीन ऐसा था कि मैं यहाँ कस्टमर के पास, वहां से डॉक्यूमेंट पिक किए आ गया, फिर क्या मैं टायर चेंज कराने, बट ये वाला मॉडल जो मेरे गाड़ी में मॉडल लगना है टायर का वो था नहीं, वो कल मिलेगा, तो अब ऑर्डर देके आया हूँ, कल वो आ जाएगा तो फिर मैं इसको जाके चेंज कराऊंगा, ठीक है जी। चलो अब फटाफट से बस वापस ब्रांच पहुँच रहे हैं, पहुँच के काम वाम करते हैं, काम निपटाते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है 5:47 हो गए, बस एक घंटे के अंदर अंदर सब काम वाइंड अप करके निकल जाएंगे घर और फिर जाके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। पता नहीं यार क्यों सही हो रहा है, तबीयत ठीक सी नहीं हो रही ना, थकावट सी है और नींद भी रहती है थोड़ी सी, सब चीज़ें मिक्स चल रही हैं, तो अभी प्रॉपर सही से वो नहीं हो रहा, थकावट तो है, कोई नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे सेट हो जाएगा सारा, रेस्ट मिलेगा तो सब हो जाएगा। चलो फटाफट से बस पहुंचते हैं और काम करते हैं ब्रांच से और अब जा रहा हूं घर। ब्रांच में बहुत लेट हो गए क्योंकि कुछ इशू हो गया था, कैश में कुछ प्रॉब्लम थी, कैश टैली नहीं हो रहा था, जैसे तैसे करके कैश टैली हुआ, सब सेटल हो गया, नाउ वी आर गोइंग होम और घर जाके देखते हैं जी क्या है आज का प्लान, क्या है आज का प्रोग्राम। ओके चलो घर पे मिलते हैं फिर। स्पेशल ऑफर ऑन वैलेंटाइन। हे गाइस, तो अभी का सीन ऐसा था कि अभी हम लोग गए थे आज डोमिनोज डिनर के लिए, डिनर करके आ गए और वहाँ हम लोगों ने ट्राई किए थे चार नए पिज़्ज़ा, अलग अलग थे उनके नाम, मुझे याद नहीं है अभी क्या क्या थे, कुछ पता नहीं
कुछ तो था। शिल्पा से पूछता हूँ कौन कौन से थे। तो एक फ्लेवर था मार्गरीटा, क्लासिक मार्गरीटा जिसके ऊपर बेसिल स्प्रिंकल किया हुआ था। एक था हमारा कैप्सिकम और रेड पेपरिका विद देसी विदेशी सॉस, विदेशी हॉट सॉस। और थर्ड था अनियन, नहीं सॉरी, पनीर एंड कैप्सिकम विदेशी हॉट सॉस। और फोर्थ था पनीर कैप्सिकम विद देसी मखनी सॉस। तो ये चार नए फ्लेवर थे जो हम लोगों ने वहाँ पे ट्राई किए 49 से 129 की रेंज के बीच में है। अगर किसी की इच्छा हो तो यू कैन ट्राई और कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे, फिर मैं बताऊंगा मुझे कैसे लगे, ठीक है। सो गाइस, उसके बाद हम लोग आ गए घर और लगे हैं सोने। तो बस यही था आज का दिन, बाकी मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय।